नगर निगम एवं ठेकेदारों के गठजोड़ का शिकार बन रही आम जनता। जी हां, चंद पैसों के लालच में आम जनता की जान जोखिम में डाल रहे हैं नगर निगम अधिकारी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार बनने के बाद से लोगों में ये धारणा बनी कि शायद अब भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगेगा, परंतु हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आला अधिकारी योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरते साफ नजर आते हैं। वहीं इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर तत्कालीन नोडल एवं जोनल अधिकारी नंदकिशोर द्वारा बिल्डर से मिली भगत कर गरीब दलित परिवार का घर ध्वस्त कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम जोन 8 कार्यालय के सामने से रजनीखंड तक बन रहे नाले में मानकों को दरकिनार करते हुए घटिया सामग्री एवं जंग लगी पुरानी सरिया प्रयोग की जा रही है। जोनल अधिकारी सुजीत श्रीवास्तव अपनी जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता पर डालते हुए एससी सिंह से संपर्क करने को कहते हैं। वहीं अधिशासी अभियंता एससी सिंह लखनऊ विकास प्राधिकरण का मामला बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी प्रकार क्षेत्र में कालिंदी पार्क सहित तमाम जगहों पर नाले खुले पड़े हुए हैं, जिनमें आए दिन राहगीर वृद्ध एवं बच्चे तथा जानवर गिरकर घायल हो रहे हैं। वहीं नगर निगम जोन 6 अंतर्गत एसबीएन इंटर कॉलेज के पास कुछ माह पूर्व निर्मित नाले पर डाला गया घटिया पत्थर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खड़े होते ही टूटकर दो टुकड़ों में विभाजित हो गया एवं ट्रॉली का पहिया पूरी तरह नाले में धंस गया। गौरतलब है बगल में स्थित सड़क पर बच्चों से भरी कॉलेज बस भी खड़ी होती है एवं गुजरती रहती है। ऐसी घटना देखकर स्कूल प्रशासन सहित क्षेत्रीय नागरिक भी हैरान हैं।